सेल्स स्किल मैट्रिक्स और सेल्स गैप एनालिसिस, ये एक ऐसा टूल होता है जिस टूल को यूटिलाइज करके आप अपने एवरेज या लो परफॉर्मिंग सेल्समैन को एकदम टॉप का सेल्समैन बना सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ये वाला टूल देने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के टूल देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे, ये है आपका सेल्स स्किल गैप एनालिसिस का टूल है। आप लोग इस चीज को डाउनलोड भी कर सकते हो अगर चाहो तो, और हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। So, इस टूल में सबसे पहली चीज आप देखोगे, यहाँ पे स्किल एरियाज लिखा हुआ, मतलब ये वो एरियाज हैं जिसमें आपके सेल्समैन जो है वो बहुत स्किलफुल होने चाहिए। और सेकंड जो चीज है वो है स्किल्स, ये है वो स्किल्स जिसमें आपके सेल्स के जो लोग हैं, जो ग्रुप्ड हैं एरियाज के अराउंड, जैसे इंडस्ट्री की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सेल्स के लोग हैं वो एकदम टॉप की सेल्स करें, टॉप परफॉर्मर बने, तो आपको ये जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जितनी भी स्किल्स मैंने आपको दे रखी हैं, इन स्किल्स में ये लोग अच्छी तरीके से रेट करें। जब आप इनकी रेटिंग बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है और इससे आप कैसे यूटिलाइज करोगे उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आपको ये वाली चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ शीट पहले। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको चार एरियाज मिलेंगे। रेलिवेंट नॉलेज, मतलब आपकी डोमेन से रिलेटेड नॉलेज उस सेल्समैन की। सेकंड होता है सेल्स स्किल, मतलब उस सेल्समैन को अगर आप डोमेन से हटा दो तो सेल्स की जो स्किल्स होती है वो कैसी है, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, इस तरीके की स्किल्स। और उसका थर्ड लेवल पे आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब आपका जो सेल्स वाला है उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा है इन वाली चीजों के अराउंड। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्समैन बढ़िया हो तो इन सारी स्किल्स पे ये लोग अच्छी तरीके से रेट करने चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। जैसे एक सेल्समैन है नीरज और एक सेल्समैन है ऋषि, दो सेल्समैन है जिनकी हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई ये दोनों हमारे जो है सेल्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इस वाली चीज में एक रेटिंग स्केल बनाएंगे हम 10 का। 10 के रेटिंग स्केल बनाने का क्या मतलब है कि अगर किसी आदमी को आप 2 बाई 10 दे रहे हो, इसका मतलब उसकी जो स्किल्स हैं वो बढ़िया नहीं है। अगर आप किसी आदमी को 8 बाई 10 दे रहे हो, इसका मतलब उसकी स्किल्स क्या है, बढ़िया है। अब यहाँ पे इसकी कोई साइंस नहीं है। जब आपकी एक फीलिंग होती है एज अ बिजनेस ओनर, उस फीलिंग को लेके आप क्या करो, इस वाली चीज को भर दो। हम लोग एक पॉइंट बाय पॉइंट लेते जाएंगे और इस वाली चीज को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना। तो रेलेवेंट नॉलेज, हमने कहा भाई नीरज की इंडस्ट्री की नॉलेज, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग उसकी इंडस्ट्री नॉलेज कैसी है, तो आपने कहा भाई 8 बाई 10 है, इसका मतलब ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज इसकी कैसी है, 8 बाई 10 है, कर लेता है ये काम। कॉम्पिटिटर की नॉलेज कैसी है, शायद ये यहाँ पे कमजोर है, ये समझता नहीं कि हमारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, तो ये आपने दे दिया 5 बाई 10। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज, मतलब आपका प्रोडक्ट रिलेटेड ये वाली जो नॉलेज है, इसमें आपने दे दिया 8 बाई 10। और उसके बाद आपके साथ कंपनी के गोल्स के साथ क्या ये अलाइंड है, कि आपकी सेल्स के साथ ये अलाइंड है, आप जो चाहते हो इसे पूरी स्ट्रेटेजी पता है कि आप कैसे जीतने वाले हो, इस वाली चीज के अराउंड इसकी नॉलेज कैसी है, तो आपने दे दिया 3 बाय 10 की। यार ये बहुत अलाइंड नहीं है, ना ही चीजों को समझता है, तो आपने इसे क्या कर दिया, कम रेटिंग दे दी। उसके बाद आपके कस्टमर को क्या ये अच्छी तरीके से समझता है, क्या कस्टमर के ऑब्जेक्शन को समझता है, क्या कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये वाली चीजें समझता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, मार्क करते हो कस्टमर फेमिलियरिटी पे, कि कस्टमर से कितना फेमिलियर है। तो इस वाली चीज में हमने मान लिया कि 5 बाय 10 की अकाउंट की नॉलेज, मतलब जो आपके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, क्या उसके बारे में ये नॉलेज रखता है कि हमारे कितने बड़े क्लाइंट है, कितने बड़े क्लाइंट नहीं है। तो मान लीजिए इसे ये वाली चीज पता है, तो मैंने 7 बाय 10 रेट कर दिया। और उसके बाद सेल्स प्रोसेस की नॉलेज, कि भाई ये सेल्स प्रोसेस को समझता है क्या, कि सेल्स होती कैसे, इसकी सेल्स की प्रोसेस की नॉलेज कैसी है। तो इस वाली चीज में आप क्या दोगे, इसमें मान लीजिए आपने दिया 5 बाय 10। आप अगर इस एरिया को देखोगे तो इस एरिया में आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ एरिया हैं जो रेड एरियाज हैं। इस एरिया पे ये क्या करेगा, लैक करेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी जो है इन चीजों में ट्रेनिंग सही से हो रही है, क्योंकि इसके बिना ये बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आती है सेल्स स्किल, मतलब आपका जो सेल्स मैन, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। आपने कहा भाई कम्युनिकेशन ये सही करता है। सेकंड नंबर पे क्या ये क्लाइंट्स की नीड को समझ पाता है, उनके रिक्वायरमेंट को समझ पाता है। आपने कहा कि हाँ यार समझ लेता है। ये हो गया 8 बाय 10। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, कि जब ये नीड को समझ के क्या सही से जवाब दे पाता है, उनको उनके सोल्यूशन दे पाता है, तो ये आपने देखा 6 बाय 10। इसकी बिजनेस की समझ कैसी है क्लाइंट्स की, आपने कहा 5 बाय 10। इसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है, जब ये सुनता है तो बढ़िया तरीके से सुनता है, जो कि एक सेल्स की बहुत बड़ी स्किल होती है, आपने कहा 5 बाय 10।
ऑब्जेक्शंस, क्या ये कस्टमर के सारे ऑब्जेक्शंस को ढंग से समझता है, क्या इस पे काम कर पाता है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे इसे रेट कर दिया 6/10, नहीं यार ऑब्जेक्शन सही से नहीं समझ पाता, इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है वो कमजोर है, क्लोजिंग कैसे करता है, पिच मारने के बाद क्या ये क्लोजिंग सही से कर लेता है। तो आपने कहा कि नहीं यार इसमें भी ये थोड़ा सा कमजोर है, फॉलोअप तो इसका बहुत ही वीक है यार, कोई फॉलोअप नहीं होता, इसे याद दिलाना पड़ता है। ये नए क्लाइंट्स को रिक्रूट करने में कैसे, क्या ऐसा तो नहीं करता पुराने क्लाइंट से ही वही वाली सेल लेके आ जा रहा है। सो इसमें आपने नंबर दिया नए क्लाइंट्स नहीं तो पुरानों से ही काम करता है 3/10, और टेरिटरी प्लानिंग कर लेता है क्या, और सेल्स की प्लानिंग कर लेता है। तो आपने कहा कोई प्लानिंग नहीं करता बेकार, सेल्स की प्लानिंग नहीं करता बेकार। सो अगर आप देखोगे सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसके बहुत सारे एरियाज हैं जिस एरिया में ये कमजोर है, और यहाँ पे आपको ये वाली चीज पता लगानी पड़ेगी कि भाई ये जो कमजोरी है क्या इसके पास स्किल है, क्या आपने इसे इस चीज में ट्रेन किया है। अगर ये आदमी ट्रेन नहीं है तो ये स्किल्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और आप अगर आप चाहोगे कि इस आदमी से आपको रिजल्ट मिले तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके क्या है वीक एरियाज है, जिस एरिया में वो वीक है जब ऑब्जेक्शन नहीं संभाल पाता, ये चीजें नहीं समझ पाता तो सेल कैसे करेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आते ही है प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब एज अ सेल्समैन ये कैसा प्रोफेशनल एटीट्यूड है इसका। तो आप देखोगे एक काम एटीट्यूड है, आपने कहा भाई एटीट्यूड बढ़िया है लड़के का। नए रिक्रूट्स जो होते हैं क्या नए सेल्स के लोगों को तैयार करने में मदद करता है, तो आपने कहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं करता, ये सिर्फ अपने में रहता है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वाली जो लिस्ट है आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड कर सकते हो और खत्म कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल है तो आपने कहा यार लड़का पंक्चुअल तो है। उसके बाद क्या ईमानदार लड़का है, आपने कहा हाँ यार ईमानदार भी है। वर्क एथिक कैसी, वर्क एथिक अच्छी है, मेहनती है, टाइम मैनेज भी कर लेता है। तो आप देखोगे ये जो लड़का है ओवरऑल आपका जो सेल्स का लड़का नीरज है, अगर आप इसे देखोगे तो यार बेसिकली ये अच्छा लड़का है, प्रोफेशनली इसका एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन क्या इसकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये वाले हम लोगों ने क्या करें, गैप्स आइडेंटिफाई करें। आपको एंश्योर करना पड़ेगा अगर आप इससे अच्छी सेल्स चाहते हो कि आप इसके साथ इसके गैप्स पे काम करो और इसे ट्रेन करो। बिना इसे ट्रेन करे, बिना इसके पास ये वाले स्किल सेट हुए, आप ये उम्मीद करो कि आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए ये वाली मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आप इस वाले टूल को यूटिलाइज करके अपने सारे सेल्स के लड़कों को इस चीज में देख सकते हो और उनकी रैंकिंग कर सकते हो, और इस टूल को इस्तेमाल करके उनको ट्रेन कर सकते हो, और इस वाली चीज से उन्हें कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ये वाली चीज आप अपने मैनेजर्स को भी दे सकते हो ताकि वो इस वाली चीज पर लोगों को रेट कर सके। आशा करता हूं आप इस वाले टूल को डाउनलोड करोगे और इसे यूटिलाइज करोगे अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए और सेल्स की टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।